यूक्रेन वेनेसिया में रूस के हवाई हमले का सायरन, ये चौथा शहर है जहां लगातार एक के बाद एक रूस के एयर अटैक की खबरें आ रही हैं और उसका सायरन बजा दिया गया, मतलब वेनेसिया के लोगों को भी अब यहां पर अलर्ट कर दिया गया है। ज़ायतोमीर में आधी रात को रूस ने ताबड़तोड़ हमला किया है, कीव पर सायरन बजा दिया गया है, यानी कि वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। खार्किव पर एयर अटैक की खबर आ रही है और ऐसे में अब वेनेसिया में रूस के हवाई हमले का सायरन बजना, जनरल सिन्हा ये क्या संकेत देता है? एक तरफ ज़ेलेंस्की के रुख में नरमी, दूसरी तरफ अग्रेसिव अप्रोच, क्या समझे हमें? देखिए, इसको मैं मानता हूं ये मॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस कहलाता है हमारे इसमें, वो बाई सुपर हैवी एयर फायर वो इन जगहों को तबाह करेंगे जहां से उनको ये लगता है। मैं फिर बताता हूं और ये चीज रिपीटेशन के, जो अल्ट्रा कहते हैं रेबल हैं, जो कि नेशनल गार्ड्स की, वो वहां पर हावी हैं। सर थोड़ा ये चारों शहर हमने दिखा भी दिए हैं सर। जी हाँ जी, इनके बारे में बता दीजिए, पहले से तबाही बर्बादी और उसके बाद, इसके बाद जनरल कुलकर्णी हम आपसे भी चाहेंगे। देखिए, सुमी का इलाका जो है वो 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और 40 किलोमीटर रशिया से पड़ता है। खार्किव 45 किलोमीटर है, वो भी तकरीबन नॉर्थ ईस्ट है। ये इलाके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खार्किव के अंदर में उनकी यूनिवर्सिटी थी न्यूक्लियर की, जो कहाँ पर रिसर्च चल रहा था, जो उन्होंने चाहते हैं, अमेरिका ने उनको प्लूटोनियम दिया है, ये उनका मानना है। जो सुमी में बहुत बड़ा उनके जैविक हथियार का जो बनाना, जो बायो वेपन्स की बात कर रहे हैं वहाँ है, तो इसको बर्बाद तो करेगा ही और 100% करेगा, लोगों को निकल जाना चाहिए। जनरल सिन्हा, आपको रोकना पड़ रहा है सर। सायरन मतलब ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन सेवेरोडोनेत्स्क में भीषण फायरिंग। सेवेरोडोनेत्स्क एक और रूस का शहर जहां पर इस समय भीषण फायरिंग शुरू हो चुकी है और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये यूक्रेन में फिर से फायरिंग है और 10 लोगों की मौत, आम लोगों की मौत की खबरें लगातार आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले 22 लोग मारे गए थे जिनमें 3 मासूम बच्चे शामिल थे। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में आज रूस ने बड़े हवाई हमले किए हैं। सेवेरोडोनेत्स्क ये एक और यूक्रेन का शहर है जहां पर फायरिंग की गई है, 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये खबर लगातार हम आपको बताएं, उसके बाद जनरल कुलकर्णी से रिएक्शन लेंगे, लेकिन ये भीषण फायरिंग के बाद जनरल कुलकर्णी, अब तो सीधे तौर पर आम लोग मारे जा रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं, जब ज़ेलेंस्की का रुख नर्म हो रहा है तो इतना अग्रेसिव अप्रोच रूस की तरफ से जनरल कुलकर्णी क्यों? ऐसे है कि रूस भी चाहता है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की ओढ़ जो पश्चिमी यूक्रेन के अंदर थी और उसी ओढ़ ने ज़ेलेंस्की को आगे अपना उनका राष्ट्रपति बनाया है, तो जब तक लोगों के इस बात में विश्वास नहीं होगा, लोगों का जो विल है उसको रूस ने तोड़ना है, ये बताने की कोशिश करनी है कि आप जिस प्रकार पश्चिमी ओर का आपका रुख था, आपने देख लिया आपका क्या हुआ, आपकी तबाही हुई। आप जब तक रूस के साथ नहीं रहेंगे, ये एक तरीके से विल पा जो नेशनल विल है यूक्रेन का, उसको तोड़ना है, दिखाना है। वो जो सत्ता की चेंज की बात करें, वो सत्ता चेंज अब लोगों के द्वारा होगा, लोग कहेंगे कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहिए।